दोस्तों बिग बॉस सीजन 17 के लाइव फीड एक बार फिर से वीकेंड के वाले एपिसोड के बाद शुरू कर दी गई है और ऐसे में यहां पर लाइव फीड शुरू होते ही मनारा चोपड़ा आयशा खान को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, ईशा मालविया के साथ में मनारा चोपड़ा की बातचीत हुई है और इस दौरान जो है मनारा चोपड़ा ने आयशा खान को लेकर ईशा के सामने कहा कि अब तो किसी पर ट्रस्ट कर ही नहीं सकते हैं। अभी आयशा जब आई थी ना पहले, तब भी उसके तेवर ऐसे ही थे, ठीक है, वो मुनव्वर को लेकर काफ़ी भड़की हुई थी, लेकिन एक दिन बाद तूने देखा ना क्या हुआ, अब भी वो वापस आई है तो उसके तेवर ऐसे ही बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं। अभी दो चार दिन में पता चल जाएगा, इस हफ्ते देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि अब हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। अभी तो वो मुनव्वर के हाथ से खाना वाना नहीं खा रही है, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब से रिएक्शन दे रही है मुनव्वर को लेके, बात नहीं कर रही है, उसकी तरफ देख भी नहीं रही है, लोगों के सामने उसके खिलाफ बातें कर रही है। लेकिन एक हफ्ते बाद देखते हैं इसका असली रूप क्या है, क्योंकि अब इतना जल्दी वापस ट्रस्ट नहीं कर सकते ना, इनका क्या भरोसा कल से फिर से ये एक दूसरे के साथ बैठे नजर आए। इस पर ईशा ने भी कहा कि बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है। जी हाँ दोस्तों, ईशा भी यहाँ पर मनारा की बात से एग्री करती है और कहीं ना कहीं मनारा को अभी भी लग रहा है कि आयशा जो कर रही है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से नाटक ही है, क्योंकि आयशा पहले भी ये सब कुछ कर चुकी है। जब वो शो में एंटर हुई थी वाइल्ड कार्ड के तौर पर, तो भी वो मुनव्वर को लेकर काफ़ी भड़की हुई थी, लेकिन अगले ही दिन आयशा के मिजाज जो है वो पूरी तरीके से पलट गए थे। अब एक बार फिर से मनारा को यही शक हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सलमान की डांट और फटकार का असर जो है वो एक दो दिन दिखाई दे और अगले दिन ये फिर से एक दूसरे के साथ उसी तरीके से लव बर्ड्स बनकर घूमने लग जाएं। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे मनारा की इस बात पर, आप अपनी राय हमें कॉमेंट में बताएँ। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए।